Hello everyone, welcome to UC Classes. I hope all of you are doing well. So from today onwards, we are going to start our geography series, and the first topic for it is the Earth in the solar system. Have you ever noticed the sky after the sunset? Because I have noticed a number of times, and I still remember when I was young, I used to have a lot of questions regarding it. Like why the sky start twinkling in the night sky, not in the day, and all these questions. Because Earth and the whole universe, in my opinion, is full of wonders. We have a sun, moon, earth, and so many things we have, and still the question, some of the questions are still unfold. Therefore, in this chapter, we try to unfold all the questions regarding our Earth and the Sun and the Moon and the entire universe. And these are the topics that we're going to study in this chapter. Celestial bodies, solar system, Sun, Earth, Moon, planets, asteroids, meteoroids. And this is gonna be a lot of fun. So stay tuned in the entire video and let's start. So the first topic is celestial bodies. What are celestial bodies? The sun, moon, and all those objects that we see in the night sky are known as celestial bodies. हमें जो sun, moon और जितने भी हमें चमकती हुई चीजें एक sky में दिखाई देती है उन सबको हम celestial bodies बोलते हैं. तो यहाँ पे question आता है कि ये हमें day time में क्यों नहीं दिखाई देती है? Why they are only seen at the night? This is because of the sunshine. अर्थ जो सन की जो रोशनी होती है उसकी वजह से हमें ये दिन में नहीं दिखाई देती है और हमें ये रात को दिखाई देती है. नाउ यूजुअली वी हैव हर्ड अ लॉट ऑफ टाइम अबाउट द पूर्णिमा एंड अमावस्या बिकॉज आई हैव लिसन टू दीज थिंग्स फ्रॉम माई मदर अ कपल ऑफ टाइम एंड आई यूज टू थिंक वट आर दे. सो पूर्णिमा इज द फुल मून एंड अमावस्या इज द न्यू मून. And in a 1 month period, they came in 15, a gap of 15 days. Like first new moon come and then which is known as Amavasya and then full moon which is known as Purnima. They came. So this is about the celestial bodies and yes, some of the celestial bodies are big and hot and they are made up of gases and they have their own heat and light. और उनको ही हम क्या बोलते हैं, उनको ही हम स्टार बोलते हैं. एंड हियर इज द वन इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट इज दैट सन इज ऑल्सो अ स्टार बिकॉज इट हैज इट्स ओन हीट एंड लाइट. सो वन मोर क्वेश्चन दैट आई गोइंग टू आस्क ऑल ऑफ यू इज देन वाई वी एबल टू सी द सन क्लोजर टू द अर्थ मोर द स्टार्स. हमें सन इतना बड़ा क्यों दिखाई देता है और स्टार्स इतने छोटे छोटे क्यों दिखाई देते हैं? टेल मी. यस आई टेल यू, इट्स बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस. हम लाइक व्हेन वी वेंट टू एन एयरपोर्ट, हमें वहाँ पे एयरप्लेन्स दिखाई देते हैं जो बहुत बड़े बड़े होते हैं, बट अगर हम उसको स्काई में देखते हैं तो बहुत छोटा सा दिखाई देता है बिकॉज ऑफ द हाइट. सेम हैपन विद द स्टार एंड विद द सन, बिकॉज स्टार्स जो होते हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है और सन अर्थ के थोड़ा सा पास होने की वजह से उसका जो शेप एंड साइज है वो बड़ा दिखाई देता है एंड वाइस वर्सा. एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्स्टिलेशंस. व्हाट आर कॉन्स्टिलेशंस? ग्रुप ऑफ स्टार्स विच फॉर्म वेरियस पैटर्न्स आर नोन एज कॉन्स्टिलेशंस. जो एक अलग अलग स्टार्स जो होते हैं जो एक पैटर्न क्रिएट करते हैं उनको ही कॉन्स्टिलेशंस बोला जाता है. और इसमें सबसे फेमस है सप्तऋषि. सबने हमने बचपन में सुना होगा सप्तऋषि के बारे में, तो वो एक कॉन्स्टिलेशन है. और इनमें से कुछ हैं जैसे कि उर्सा मेजर हो गया, ओरियन हो गया, लियो मेजर हो गया. तो ये सारे नाम दिए गए हैं, नेमिंग की गई है इन कॉन्स्टिलेशंस की बाय द साइंटिस्ट. वन ऑफ द मोस्ट ईजली रिकग्निजन कॉन्स्टिलेशन इज सप्तऋषि और ये आई होप सब ने ही सुना होगा. वन मेजर थिंग दैट आई वॉन्ट टू हाईलाइट ओवर हियर इज अबाउट पोल स्टार, जिसके बारे में यूजली आई गेस नहीं सुना होता है. तो पोल स्टार क्या होता है कि ये एक डायरेक्शन स्टार होता है और मैं अपनी लाइफ में द पर्सन हु हैज शोन मी डायरेक्शन फॉर स्पेसिफिकली फॉर माई करियर,
आई यूज टू कॉल हिम एज अ पोल स्टार. तो पोल स्टार वो होता है जिससे हम अपनी डायरेक्शंस का पता कर सकते हैं. यूजुअली एंशिएंट पीरियड में इसको यूज किया जाता था नॉर्थ डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए. इफ यू एबल टू सी इन द पिक्चर, द गर्ल इज लुकिंग एट स्ट्रेट एट अ स्टार एंड उसमें के बीच में दो स्टार आए हुए हैं और उसके बाद एक दूसरा थर्ड स्टार आया हुआ है, उसी को ही हम पोल स्टार बोलते हैं. ये बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है इन कंपैरिजन टू द अदर स्टार. इसी के अंदर आता है कि कुछ सेलेस्टियल बॉडीज होती है उनकी खुद की हीट और लाइट नहीं होती है. बिकॉज अर्लियर आई हैव टोल्ड यू दैट सम सेलेस्टियल बॉडीज आर हॉट एंड लार्ज एंड दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, जिनको हम स्टार्स बोलते हैं. बट उन्हीं में आते हैं कि कुछ सेलेस्टियल बॉडीज होती है जिनकी जिनके पास ना तो खुद की हीट होती है ना ही खुद की लाइट होती है. उन सेलेस्टियल बॉडीज को हम बोलते हैं प्लैनेट. प्लैनेट्स जो है एक ग्रीक वर्ड है जिस जो आया है प्लैनेटिया से, जिसका नाम जिसका मीनिंग होता है वंडरर्स. दैट मीन्स द अर्थ इज अ प्लैनेट, मून इज द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. अर्थ एक प्लैनेट है बिकॉज उसके पास खुद की ना ही हीट है ना ही लाइट है, और जो मून है वो अर्थ की सैटेलाइट है. ओके, सो देर आर मैनी अदर प्लैनेट्स टुगेदर फॉर्मिंग अ सोलर सिस्टम. बहुत सारे ऐसे ऐसे ही प्लैनेट्स हैं जो एक साथ कंबाइन होते हैं और एक सोलर सिस्टम क्रिएट करते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे. सो व्हाट इज अ सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम क्या होता है कि सन और उसकी पूरी की पूरी फैमिली को हम टुगेदर क्या बोलते हैं? सोलर सिस्टम बोलते हैं. करंटली इसमें 8 प्लैनेट्स हैं, सन है, सैटेलाइट्स है और बहुत सारे एस्टेरॉइड्स और मेटेरॉइड्स को मिला के एक सोलर सिस्टम बनाया गया है. सोलर सिस्टम में क्या होता है कि जो प्लैनेट्स हैं जिसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे, बट उनकी फर्स्टली मैं आपको एक डिफ्रेंसिएशन बताना चाहती हूँ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है अबाउट द इनर प्लैनेट्स एंड आउटर प्लैनेट्स. इफ़ यू एबल टू सी इन द पिक्चर द एस्टेरॉइड बेल्ट्स आफ्टर द मास, तो एस्टेरॉइड बेल्ट्स क्या करती है, इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देती है हमारे 8 प्लैनेट्स को. एस्टेरॉइड बेल्ट से जो पहले वाले प्लैनेट्स आते हैं दे आर कॉल्ड एज इनर प्लैनेट्स और दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स, जिसमें आता है मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स. और उसके बाद वाले जो प्लैनेट्स होते हैं उनको बोलते हैं आउटर प्लैनेट्स एंड दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम द सन एंड दे यूजुअली मेड अप ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स. और इसमें से जो प्लैनेट्स होते हैं लाइक सैटर्न एंड यूरेनस, उनकी खुद की रिंग्स भी होती है, यूजुअली इनर प्लैनेट्स में वो नहीं होता है. तो ये एक बेसिक डिफ्रेंसिएशन है बिटवीन द इनर एंड द आउटर प्लैनेट्स. एंड आवर नेक्स्ट वन इज द सन, जो हमारा सोलर सिस्टम का एक मेन जिसे हम बोलते हैं मेन हाइलाइटेड जो चीज़ है. सन क्या होता है? सन को सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम बोला जाता है. ये एक्सट्रीमली ह्यूज होता है एंड मेड अप ऑफ हॉट गैसेस एंड एक अल्टीमेट सोर्स है हीट एंड लाइट के लिए, नॉट फॉर द सोलर सिस्टम बट फॉर द अर्थ. एंड इसमें क्या हो कि अर्थ से ये नियरली 150 मिलियन किलोमीटर अवे है, जिसकी वजह से हमें सन की वार्म भी मिलता है और सन से हमें रेडिएशंस और सनलाइट तो मिलती है, ये सब कुछ भी मिलता है. अभी सन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुका है बिकॉज करंटली हमारा जो इसरो है उसने अपना आदित्य L1 लॉन्च किया है जो सन पे जाके स्टडी करेगा कि वेदर अबाउट डिफरेंट गैसेस और वहाँ का जो भी फिनोमिना है उन सबको स्टडी करके वो हमें बताएगा. सो स्टे कनेक्टेड विद सन इन द अपकमिंग टाइम बिकॉज इट गोइंग टू बी वेरी इम्पॉर्टेंट स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स हु आर करंटली गिविंग एनी एग्जाम. नेक्स्ट इज प्लैनेट. हमारे पास करंटली 8 प्लैनेट है सोलर सिस्टम में. ओके, टेल मी यूजुअली अर्लियर व्हेन यू वर इन स्कूल और यू लाइक 10 इयर्स बैक आई गेस देर आर 9 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम. Pluto was also the part of the planet, but why it is not a part of our planets? Tell me in the comment section ki Pluto whether it is a part of our planet or not and why. Agar hai to kyun hai aur nahi hai to kyun nahi hai? Because ye kuch specifications hoti hai jo scientists banate hain
जिसके बेसिस पे हम एक प्लैनेट को कंसीडर करते हैं एज अ पार्ट ऑफ द प्लैनेट, और अदरवाइज हम उसको ड्वार्फ प्लैनेट बना देते हैं. तो इट हैपेंड इन केस ऑफ प्लूटो. सो जस्ट कमेंट डाउन बिलो whether Pluto is a part of our planets or not, and if it is a part of planet, why, and if it is not, then why not. तो हमारे 8 planet हैं जिसमें आता है Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn and Neptune. इसके लिए एक बहुत सबने आगे से सुनी होगी एक कोट पर टाइप है, माई वेरी एफिशियंट मदर जस्ट सर्वड अस नट्स और नूडल्स. तो उसके लिए M stand for Mercury, V stand for Venus, E for Earth, M for Mars, J for Jupiter, S for Saturn, U for Uranus and N for Neptune. And इसमें से हमारे जो मार्स तक हैं they are the inner planet, after Mars they are known as outer planets. जो planets होते हैं वो अपने एक fixed orbit में ही move करते हैं, ऐसे नहीं होता है कि वो किसी और के ऑर्बिट में जाके मूव करने लगेंगे. इफ यू सी इन द पिक्चर दे हैव देयर ओन ऑर्बिट और जिसमें वो मूव करते हैं एंड दे रिवॉल्व अराउंड द सन. सम ऑफ द इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द प्लैनेट, मर्क्यूरी इज द नियरेस्ट टू द सन विच मीन्स दैट इट मस्ट बी द हॉटेस्ट प्लैनेट अमंग ऑल द प्लैनेट्स. वीनस को ट्विन सिस्टर बोला जाता है अर्थ की बिकॉज ऑफ इट्स शेप एंड साइज, वो समहाउ सिमिलर है अर्थ के. एंड द प्लूटो एज आई आस्क्ड अर्लियर अबाउट प्लूटो वेदर इट इज पार्ट ऑफ आर प्लैनेट और नॉट, सो यस इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्लैनेट. उसको अब ड्वार्फ प्लैनेट बोल दिया गया है. क्यों बोल दिया गया है ये आप मुझे बताएंगे, अदरवाइज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. एंड नाउ अर्थ आर फेवरेट प्लेस, अर्थ जिसको हम अपना प्लानट बोलते हैं, और ये थर्ड नियरेस्ट प्लानट है टू द सन एंड फिफ्थ लार्जेस्ट प्लानट. साइज में जो है वो फिफ्थ लार्जेस्ट है और नियरेस्ट टू द सन वो थर्ड नंबर पर आता है. इसकी जो शेप है वो जियोइड शेप है, और इस जो ये अर्थ है हमारी फ्लैटन है फ्रॉम बोथ द पोल, साउथ पोल और नॉर्थ पोल से जो अर्थ है वो फ्लैटन है. People might be confused that Earth has a round shape. Some of them say that it has an oval shape, but no, it has geoid shape. Earth जो है वो support करती है हमारी life को because it has all the favorable conditions. It has water, oxygen, and all the weathers we have. And Earth is also known as blue planet. Why? Tell me why. Because 75% of the Earth's space is covered by the water, इसलिए हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोलते हैं. अब आई गेस सबने वो पिक्चर देखी होगी जिसमें अर्थ स्पेस से ब्लू दिखाई देता है, वो इसलिए दिखाई देता है बिकॉज 75% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय द वाटर. बट द आयरनी इज वी स्टिल हैव द डेफिशिएंसी ऑफ शॉर्टेज ऑफ वाटर. सी द आयरनी ऑफ लाइफ. सो नेक्स्ट इज द मून. मून को मैंने अभी बताया था, मून इज द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, और ये भी एक सेलेस्टियल बॉडी है जो कि प्लैनेट के अराउंड मूव करती है. सन अर्थ रिवॉल्व करता है अराउंड द सन एंड मून रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ. और जो इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ, मतलब जितना बड़ा हमारा अर्थ है उसका एक छोटा सा पोर्शन मून का, मून जितना ही है. लाइक अर्थ इतनी बड़ी है तो मून इतना सा है. व्हाई डज इट अपीयर सो बिग, इतना सा छोटा होने के बाद भी ये हमें इतना बड़ा क्यों दिखाई देता है? बिकॉज ये अर्थ हमारे जो मून है वो अर्थ के काफ़ी पास है. इट हैज़ जस्ट 384,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, और इट जस्ट टेक 27 डेज टू कम्प्लीट 1 रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ. एंड वाई डोंट वी लिव ऑन द मून, क्वेश्चन राइज कि हम मून के पास क्यों नहीं रह सकते. ऑल्दो अब तो बहुत कुछ प्रोग्रेस हो चुकी है इन दिस मैटर बिकॉज चंद्रयान 3 जो है हमारा वो साउथ पोल में जा चुका है, और वहाँ पर जाके दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट वेदर द लाइफ इज पॉसिबल ओवर इट और नॉट. ऐसा भी बोला गया है कि वाटर पैचेस मिले हैं वहाँ पर. सो लेट सी वट हैपन इन द फ्यूचर. बट करेंटली जो फेवरेबल कंडीशंस चाहिए होती है फॉर लिविंग एट अ पर्टिकुलर प्लेस लाइक वाटर एंड एयर, दोज आर नॉट अवेलेबल ऑन द मून. दिस इज द मेजर रीजन.
और एक बहुत फेमस आता है कि चांद के ऊपर दाग है, तो वो दाग नहीं होते हैं, वो दोज आर द शेडोज। जैसे हम एक मून को आप अगर आप नाइट स्काई में देखोगे तो आपको शेडोज दिखेंगी मून के ऊपर, ब्लैक ब्लैक कलर की रिफ्लेक्शंस, जिनको हम शेडोज बोलते हैं। वो इसलिए होते हैं बिकॉज मून के ऊपर क्या होता है, माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, डिप्रेशंस हैं, तो उनकी वजह से वो पैचेस की वजह से रिफ्लेक्शन आती है, जिसकी वजह से हमें दूर से ऐसा दिखाई देता है कि चांद के ऊपर दाग है। एक्चुअल में वो दोज आर नॉट द दाग, दोज आर द माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशंस, जिसके हमें शेडोज दिखाई देती है। सो द नेक्स्ट वन इज द सेटेलाइट। देयर आर टू टाइप ऑफ सेटेलाइट, वन इज द नेचुरल वन जैसे कि मून है, एंड अदर वन इज ह्यूमन मेड सेटेलाइट। जो नेचुरल सेटेलाइट होती हैं उनको भी हम सेलेस्टियल बॉडीज में ही काउंट करते हैं। एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि मून जो है वो एक सेलेस्टियल बॉडी है, एंड इट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। बट जो ह्यूमन मेड सेटेलाइट होती है, दे आर फॉर्म्ड टू गेदर सर्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूनिवर्स। वहाँ से हम इनको कम्युनिकेशन के पर्पज से, अपने रॉकेट को लॉन्च करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए ह्यूमन मेड सेटेलाइट्स बनाई गई हैं। उसमें से फेमस है इनसेट, आईआरई और एडुसेट, ये काफ़ी फेमस सेटेलाइट्स हैं। ओके, एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि जब सेटेलाइट ख़राब हो जाती है, लाइक उनकी कुछ ना कुछ शेल्फ लाइफ होती है फॉर ह्यूमन मेड सेटेलाइट, तो उनका क्या होता है? टेल मी, इट्स एन इंटरेस्टिंग वन। कॉमेंट डाउन बिलो दिस क्वेश्चन, और अदरवाइज आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो नेक्स्ट वन इज द एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट्स और सेटेलाइट्स जो हमने पढ़ा है, उनके बाद उनके अलावा भी कुछ टाइनी बॉडीज होती हैं जो सन के अराउंड रिवॉल्व करती हैं, उनको हम एस्टेरॉइड्स बोलते हैं। और ये जो बॉडीज होती है सिर्फ मार्स और जुपिटर की बेल्ट में मिलती हैं। आई विल शो यू इन द पिक्चर। या हियर यू कैन सी द एस्टेरॉइड बेल्ट्स बिटवीन द मार्स एंड द जुपिटर। यहाँ पे हमें एस्टेरॉइड्स मिलते हैं एंड दे रिवॉल्व अराउंड द सन। ओके, सो यस, तो ये मार्स और जुपिटर के जो बीच में हमें ऑर्बिट होती है उसमें ही हमें एस्टेरॉइड्स मिलते हैं। और एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? आर द पार्ट्स ऑफ अ प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मेनी ईयर्स बैक। ऐसे साइंटिस्ट बोलते हैं कि एस्टेरॉइड्स पहले प्लैनेट्स का ही पार्ट होते थे, जो एस्टेरॉइड बेल्ट है ये, बट वो एक्सप्लोड होने की वजह से वो वी नॉट कंसिडर दम एज अ पार्ट ऑफ द प्लैनेट प्रेजेंटली। वी हैव ओनली 8 प्लैनेट्स। And last one is the meteoroids. Meteoroids क्या होते हैं? Small piece of rocks होती है that move around the sun. उनको हम meteoroids बोलते हैं। Sometimes क्या होता है कि meteoroids tend to drop near to the earth. Earth के पास आ जाते हैं और वो इतनी speed से आते हैं कि कभी कभी तो जब वो नीचे आ रहे होते हैं वो flash of light आने की वजह से वहीं पर burn हो जाते हैं, या फिर कुछ हमारे अर्थ पे भी आ जाते हैं और एक बहुत बड़ा एक डीप पैच क्रिएट कर देते हैं, जैसे होल क्रिएट अ होलो। जैसे एक मूवी आई थी कोई मिल गया मैं, उसमें जब वो जादू आता है तो वो बहुत बड़ा एक खड्डा टाइप बन जाता है वहाँ पे, जहाँ पे उनका वो स्पेसशिप लैंड होता है। तो उसी का ही मेटेरॉइड्स भी सम्हा उसी के सिमिलर होता है। ओके, एंड दिस इज अबाउट या गैलेक्सी। हमारी जो हम जिसको बोलते हैं ना मिल्की वे गैलेक्सी, आर सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ द गैलेक्सी। एंशियंट टाइम में ऐसा बोला जाता था कि ये एक रिवर ऑफ लाइट है जो स्काई से आई है, और इसी के लिए इसको आकाश गंगा बोला गया था कि आकाश से एक गंगा आई है, रिवर आई, रिवर ऑफ लाइट। तो जो हम अब स्टार्स वगैरह ये सब देखते तो उस टाइम उसको आकाश गंगा बोला गया था। ऐसी जो ये गैलेक्सी एक बहुत ज़्यादा एक ह्यूज सिस्टम होता है जिसमें बहुत सारे स्टार्स, क्लाउड, डस्ट, गैसेस ये सब मिलते हैं। और ऐसी एक गैलेक्सी नहीं है, देर आर बिलियन एंड ट्रिलियन ऑफ गैलेक्सीज प्रेजेंट इन द यूनिवर्स। सी हाउ ह्यूज आर यूनिवर्स इज एंड सच टाइनी पार्ट वी आर फॉर द होल यूनिवर्स, एंड स्टिल वी कंसिडर दैट वाओ हम ही सबसे बड़े हैं। बट ऐसा नहीं है, हमारा यूनिवर्स जो है वो बहुत बड़ा है, एंड वी जस्ट स्टिल अ टाइनी लिटिल डस्ट इन दिस एंटायर यूनिवर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट आर अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। डोंट फर्गेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।
And if you have any query regarding this entire chapter, please comment down below. I will revert you back as soon as possible. Thank you. Take care.